हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। चलो जी, आज बारी है हवाई जहाज उड़ाने की। जब ये टीन का डब्बा अपनी पूरी क्षमता से उड़ता है तो उसका वजन लगभग 30,000 किलोग्राम के आसपास होता है, और इतना भारी होने के बाद भी ये रनवे पर लगाता है दुड़की। दुड़की बोले तो दौड़ लगाकर बहुत आसानी से उड़ जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा आखिर ये सारे काम करता कैसे है? बारी है विज्ञान के गड़े मुर्दे उखाड़ने की, पर इस काम में तो हम माहिर हैं। जैसा कि आप जानते हो, कोई भी चीज बिना फोर्स लगाए चल नहीं सकती, और उदाहरण मैं अपना ही ले लेता हूँ। तो बात है मेरे बचपन की, और दिन था संडे का, वो भी सर्दियों वाला। पानी था गरम और माँ ने 3-4 बार नहाने के लिए बोला। 3-4 बार में अपन कहाँ सुनने वाले थे। और जैसा कि आप जानते हो, बिना फोर्स के कुछ ना चलता, तो माँ ने चप्पल रूपी प्रोजेक्टाइल मेरी तरफ फेंका, जिसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट और एंगल ऑफ अप्रोच सीधा मेरी गुद्दी की तरफ था, और वो अपने टारगेट पे हिट भी कर गया। लग गई मेरे पे फोर्स। अब अपने को यहाँ से एक चीज तो समझ आ गई थी कि अब अगर मैं नहाने नहीं गया तो माँ अपने हथियार खाने में से इतने सारे प्रोजेक्टाइल चलाएगी कि मेरे सारे डिफेंस उड़ जाएंगे। तो शरीफ बच्चों की तरह नहाने में ही फायदा है, माँ से कोई ना जीत सकता। तो जैसा कि आपने इस एग्जांपल से सीखा कि बिना फोर्स के कोई ना चलता, तो ठीक इसी तरह से अपना टीन का डब्बा भी बिना फोर्स लगाए तो ना उड़ने वाला था। और यहाँ ये बात भी नोट करने वाली है कि सिर्फ एक फोर्स से अपने टीन के डब्बे की सेहत पे घंटा फर्क ना पड़ता, क्योंकि इसे उड़ाने के लिए आगे के साथ साथ ऊपर भी भेजना पड़ता, जिसके लिए चाहिए अपने को 2 फोर्स। पर ध्यानचंद बनकर देखा जाए तो इस टीन के डब्बे पर 2 नहीं बल्कि 4 फोर्स लग रही हैं। पहली वो जो किसी चीज को अपनी सतह से ऊपर जाने से रोकती है, यानी ग्रेविटी। दूसरी है लिफ्ट, हाँ जी यही है वो जिसकी वजह से हवा में झूलेगा। तीसरी है थ्रस्ट, और चौथा है ड्रैग। थ्रस्ट धकेलेगा इस जहाज को आगे और ड्रैग खींचेगा पीछे। अब इन चारों फोर्सेस की कुश्ती पर अपने टीन के डब्बे का भविष्य टिका हुआ है। अगर आप एक बार और ध्यानचंद बनो तो आप पाओगे कि इन चारों फोर्सेस में हम सिर्फ 3 को ही कंट्रोल कर सकते हैं, और वो 3 नमूने हैं ड्रैग, लिफ्ट और थ्रस्ट। क्योंकि ग्रेविटी का तो घंटा ना उखड़े किसी से कुछ, तो फायदा इसी में है कि वहाँ पर दिमाग ना लगाएं। अब इन तीनों में भी ड्रैग इस टीन के डब्बे के डिजाइन पर निर्भर करेगी। जितना बेहतर डिजाइन उतना ड्रैग कम। लेकिन अगर अपन लोग थ्रस्ट को बढ़ा दें तो अपना जहाज चलेगा आगे की तरफ, और लिफ्ट बढ़ाते ही ये उठेगा ऊपर। पर ये काम होगा कैसे? चलो सुलझाते हैं समस्या को। लेकिन उसे बताने से पहले एक चीज समझ लो। अगर आपको लगता है कि एरोप्लेन माँ के लाडलो और पापा की परियों के हाथ में देने पर वो इसे स्कूटी और मोटरसाइकिल की तरह कान ऐंठ कर एक्सेलरेट करा लेंगे, तो भाई साहब किस गलतफहमी में हो आप। एरोप्लेन ऐसे तो ना चलता, और ऐसे क्रांतिकारी हैवी ड्राइवरों को एविएशन का लाइसेंस भी ना मिलता। इनका क्या भरोसा, इनके स्टाइल मारने के चक्कर में किसी का 9/11 हो गया तो? बल्कि प्लेन उड़ाने की ताकत जनरेट होती है इसके फ्यूल से, और इस बात से तनिक भी फर्क ना पड़ता कि ये फ्यूल जेट इंजन में जाएगा या प्रोपेलर बेस्ड इंजन में। फ्यूल कोई भेदभाव नहीं करेगा। फ्यूल के अंदर भरी हुई पोटेंशियल एनर्जी उसके जलने पर हीट एनर्जी में बदल जाएगी, जो बाद में मैकेनिकल एनर्जी में बदल कर देती है इस टीन के डब्बे को रफ्तार, यानी पैदा होती है थ्रस्ट और उसके बाद लगाता है ये दौड़। अब सब कुछ जितना आसान यहाँ पर दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि जेट फ्यूल में आग लगने के बाद टीन का डब्बा आगे तो दौड़ पड़ा, लेकिन ऊपर उठने के लिए इसे लिफ्ट कौन देगा, जो ग्रेविटी से 2-2 हाथ करके उड़ाएगी अपने जहाज को ऊपर। यही है इस वीडियो का अब सबसे बड़ा सवाल। अब क्योंकि अपना हवाई जहाज हवा में उड़ता है तो यही हवा हमें लिफ्ट भी देगी, देना ही पड़ेगा। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। पर ये बात इंजीनियर्स पर लागू नहीं होती, क्योंकि इंजीनियर्स उंगली टेढ़ी करने के बजाय घी के डब्बे का ऑपरेशन ही कर डालेंगे। आप चिंता मत करो, हमारे लिए ये काम पहले से ही किसी ने कर दिया है, और वो है बर्नौली काका। हाँ जी, बारी है बर्नौली काका के सिद्धांत समझने की। तो सुनो अब ध्यान से। एक जगह रुकी हुई हवा अपने आसपास की चीजों पर देखने लायक प्रभाव नहीं डालती, लेकिन चलती हुई हवा बिल्कुल डालती है। आपको क्या लगता है, अगर इन 2 गेंदों के बीच में हवा तेज रफ्तार से निकाली जाए तो क्या होगा? ये दोनों गेंद दूर जाने के बजाय आ जाएंगी पास में, जिसका कारण है बर्नौली का सिद्धांत, जो ये कहता है जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ेगी ठीक उसी तरह से हवा के द्वारा उत्पन्न किया गया दबाव भी घट
घटेगा यानी एयर प्रेशर कम हो जाएगा, और इसका उल्टा भी ठीक है यानी रफ्तार घटाओ और हवा का दबाव बढ़ाओ। एक उदाहरण और देखो, इस कागज के ऊपर फूंक मारकर बहती हुई हवा की गति बढ़ाने पर ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है, क्योंकि ऊपर तेज हवा है तो ऊपर का प्रेशर हो जाएगा कम, लेकिन नीचे का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये कागज ग्रेविटी के खिलाफ जाकर ऊपर उठना शुरू कर देगा और इसी को कहते हैं लिफ्ट। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाए गए हवाई जहाज के पंख, और ये पंख बनाए गए हैं एयरफॉइल शेप के, जो साइड से देखने पर ऊपर की तरफ से दिखाई देगी आपको कर्व और नीचे होगी बिल्कुल फ्लैट। यही है वो शेप जो एयर प्रेशर की मदद से हवाई जहाज को हवा में कंट्रोल और लिफ्ट दोनों देती है। पर ये एयर प्रेशर क्या चीज है? वातावरण में किसी भी चीज पर हवा के द्वारा लगाए जाने वाले दबाव को हम एयर प्रेशर बोलते हैं। एक जगह रुके हुए हवाई जहाज के पंख पर एयर प्रेशर समान रूप से लगता है, लेकिन जैसे ही हवाई जहाज रफ्तार पकड़ता है तो पंख के ऊपर बहने वाली हवा को नीचे बहने वाली हवा से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और अगर ऊपर बहती हुई हवा को ज्यादा दूरी तय ही करनी है वो भी उतने ही समय में जितने समय में नीचे बहती हुई हवा कर रही है, तो पंख के ऊपर बहती हुई हवा को अपनी रफ्तार बढ़ानी ही पड़ेगी। और हो गया अपना काम, बढ़ गई हवा की रफ्तार। और जैसा कि हम जानते हैं, हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रेशर घट जाता है, तो पंख के ऊपर हवा का दबाव नीचे के मुकाबले कम होने के कारण हवाई जहाज ऊपर की तरफ उठने लगता है। अब ऊपर और नीचे के प्रेशर में ये अंतर जितना ज्यादा होगा उतनी ही लिफ्ट ज्यादा उत्पन्न होगी। अब यहाँ आता है एक सवाल, मान लो एक हवाई जहाज अपनी अधिकतम गति सीमा पर उड़ रहा हो तो क्या ऐसी स्थिति में और लिफ्ट उत्पन्न नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है, और हम करते भी हैं। इसके लिए हम पंख को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, जिसे इंजीनियरिंग में बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। पंख को टेढ़ा करने पर उसके ऊपर और नीचे बहने वाली हवा की गति में आएगा एक अंतर, और यही अंतर अब देगा इस टीन के डब्बे को लिफ्ट। सीधे पंख के मुकाबले टेढ़े पंख से 10 गुना ज्यादा लिफ्ट उत्पन्न की जा सकती है। अब क्योंकि अपना टीन का डब्बा हवा में उड़ चुका है तो इसे लेफ्ट राइट भी तो मोड़ना होगा, और उसके लिए भी एयरफॉइल शेप का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी पूंछ पर लगे दो एयरफॉइल को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेबलाइजर। पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वाले की। जब इसे नीचे किया जाता है तो हवाई जहाज की पूंछ ऊपर और चोंच नीचे की तरफ हो जाती है, और मारता है ये हवा में डाइव, और इसका उल्टा करने पर इसकी पूंछ नीचे और चोंच ऊपर होने की वजह से ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक इसी तरह से वर्टिकल स्टेबलाइजर को लेफ्ट राइट में घुमाकर हवाई जहाज को भी दाएं बाएं मोड़ा जाता है। ये जो अब आप देख रहे हो ये है एलरॉन्स। एक पंख का एलरॉन जब नीचे जाता है तो दूसरा जाता है ऊपर, और ये हमेशा एक साथ काम करते हैं। इन्हीं की वजह से हवाई जहाज हवा में रोड की तरह टर्न मारता है। एलरॉन्स के बराबर में लगे होते हैं फ्लैप्स, और ये पीछे जाने के साथ साथ नीचे भी जाते हैं, और इनका काम है टीन के डब्बे को उड़ने के साथ साथ उतरने में मदद करना। हल्का नीचे होने पर ये छोटे रनवे पर प्लेन को उड़ने में मदद करते हैं, और उतरते समय भी इन्हें नीचे किया जाता है ताकि प्लेन की रफ्तार को कम किया जा सके। यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि आम तौर पे हवाई जहाज को हवा के चलने की विपरीत दिशा में उड़ाया और उतारा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट उत्पन्न की जा सके। लेकिन लिफ्ट को पैदा करने का ये अकेला तरीका नहीं है, बल्कि हम हवाई जहाज की रफ्तार को बढ़ाकर पहले से ज्यादा लिफ्ट पैदा कर सकते हैं, और इसी कारण की वजह से तेज उड़ने वाले जहाजों के पंख छोटे होते हैं। और यहाँ से आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो हवाई जहाज जितना धीरे उड़ेगा उसके पंखों को उतना ही बड़ा रखना पड़ेगा। अब क्योंकि रफ्तार बढ़ने पर ड्रैग भी बढ़ेगा, तो हमें तेज रफ्तार पर उड़ने वाले जहाजों के पंखों में करना पड़ेगा बदलाव। धीमी रफ्तार पर उड़ने वाले टीन के डब्बे के पंख होते हैं सीधे, लेकिन तेज रफ्तार पर उड़ने वाले जहाजों के पंख होते हैं वी शेप के, जिन्हें कहा जाता है स्वेप्ट विंग्स, जो अपनी शेप के कारण कम ड्रैग उत्पन्न करते हैं। अब जो हवाई जहाज बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार पर उड़ते हैं उनके पंख बनाते हैं ट्राइंगल, जिसे बोलते हैं डेल्टा शेप विंग्स। लेकिन ऐसे हवाई जहाज के उतरने में उनकी रफ्तार ही सबसे बड़ी बाधा बनती है। अब इन्हें धीमा कौन करेगा, ये है एक समस्या। तो इसके लिए इनके पीछे लगाए जाते हैं ड्रैग शूट। हाँ जी, इन्हें पैराशूट नहीं बल्कि ड्रैग शूट ही बोला जाता है, और यही करते हैं प्लेन को धीमा। और अब आती है इंजीनियर्स के जीवन में संतुष्टि, और जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से चली भी जाती है, क्योंकि उनके खुरापाती दिमाग में आया एक ख्याल। हाँ जी, संतुष्टि का सबसे बड़ा दुश्मन इंजीनियर्स के दिमागी ख्याल। क्यों ना ऐसा पंख बनाया जाए जो जरूरत के हिसाब से आगे पीछे हो सके, यानी वेरिएबल स्वेप विंग्स। धीमी रफ्तार पर ये खुलेंगे पूरे, और रफ्तार तेज होने पर ये जाएंगे थोड़े से पीछे, और रफ्तार पूरी तेज होने पर ये चले जाएंगे बिल्कुल पीछे। ऐसा करने पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवाई जहाज कितना तेज है, क्योंकि उसके पंखों को जरूरत के हिसाब से बेस्ट शेप में मोड़ा जा
सकता है। अब भविष्य में चाहे जैसे हवाई जहाज बन जाएं, पर इन चारों फोर्सेस के बीच में होने वाली कुश्ती हमेशा जारी रहेगी और जीत हमेशा इंजीनियर्स की ही होगी। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल आगे, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।